नमस्कार जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। बार अध्यक्ष पर हुए हमले के विरोध में तहसील के अधिवक्ताओं ने तहसील में की तालाबंदी। पट्टी तहसील के नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश सिंह शनिवार की देर शाम घर जा रहे थे। इस दौरान आरोप है कि रास्ते में उन्हें कुछ लोगों द्वारा रोककर जमकर मारा पीटा गया और उनके पास रखी 50,000 नकदी भी छीन ली गई, जिसकी शिकायत लिखित तौर पर उन्होंने आसपुर देवसरा पुलिस थाने पर की है। जबकि आज तहसील खुलने पर इस बात की जानकारी जब अधिवक्ता साथियों को हुई तो अधिवक्ताओं ने तहसील गेट पर तालाबंदी करते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। जब तक मुकदमा दर्ज करके अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती हड़ताल जारी रहेगा। प्रतापगढ़ से मंडल प्रभारी अब्दुल लतीक। तालाबंदी क्या मामला है, क्यों आप लोग तहसील पे तालाबंदी का कार्यक्रम किए हैं? हमारे नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष माननीय सुरेश कुमार सिंह जी वो शाम को लगभग 8 बजे अपने घर कहीं से जा रहे थे, वापस लौटे हुए थे। उनको कुछ दबंग किस्म के लोग थे, उनको मारा पीटा और उनके गाड़ी में रखे हुए 50,000 रुपए और अर्टिका गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जब हम लोगों को ये बात जानकारी हुई तो हम लोगों ने जाकर के थाने पे शिकायत दिया, लेकिन देवसरा पुलिस ने अभी तक ना तो कोई कार्रवाई किया और ना तो अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना तो हमारी एप्लीकेशन को स्वीकार कर रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष जी यहाँ से रिफर हो चुके हैं और हम लोग तब तक हड़ताल पे रहेंगे, तब तक तालाबंदी करेंगे जब तक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। अध्यक्ष जी इस समय कहाँ उनका इलाज चल रहा है? इस समय लखनऊ रिफर है, निजी हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल। देवसरा पुलिस का कार्य ऐसा है कि वो जानबूझ करके अपराधियों के पूरे पूरे संरक्षण में लगे हुए हैं। नरेंद्र वकीलों के खिलाफ, पट्टी अधिवक्ता के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं, पट्टी अधिवक्ता उनके खिलाफ हमेशा खड़ा रहेगा जब तक उनका प्रतापगढ़ जिले से डिमोशन नहीं हो जाता और अध्यक्ष जी के हमलावरों के ऊपर से अगर मुकदमा नहीं हो जाता उनके खिलाफ और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, अनावरण हड़ताल चलती रहेगी। नए कार्यकर्ता न एक काम होगा अंदर, न कोर्ट खुलेगी, न तहसीलदार एसडीएम ना कोई अंदर नहीं हिल पाएंगे। ये हड़ताल चलता जारी रहेगा। धन्यवाद।